हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज हम धनिया पत्ता और टमाटर का चटनी बनाएंगे। सबसे पहले धनिया पत्ता को धो के साफ़ करके इस तरीके से छोटे टुकड़ों में काट दीजिए और 6 हरी मिर्ची को छोटे टुकड़ों में काट दीजिए और 6 टमाटर को भी इस तरीके से छोटे टुकड़ों में काट दीजिए और 1 कली लहसुन, 1 कली को लहसुन को छिलका छील दीजिए और 1 छोटी चम्मच काला नमक और 1 बड़ी चम्मच प्लेन नमक और 1 छोटा चम्मच चाट मसाला और 1 नींबू, 1 नींबू का रस मिला दीजिए। और चलिए इसको अभी हम ग्राइंड करते हैं। ये देखिए हमारा धनिया पत्ता और टमाटर का चटनी बनके हो गया तैयार। देखिए कितना बढ़िया हरी हरी चटनी बनके तैयार हो गया। वो इसलिए इतना हरा दिख रहा है कि हाँ, हम इसमें नींबू डाल रखे थे। देखिए बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों इस तरीके से बना के। देखिए अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कर दीजिए दोस्तों। बाय बाय।